दोस्तों, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं था जो महाभारत का लेखक बन सके, यानी उसे विस्तार पूर्वक एक पुस्तक या ग्रंथ का रूप दे सके। तो फिर भगवान गणेश ने उसे किसके कहने पर लिखा? क्या और कोई भी देवता महाभारत ग्रंथ को नहीं लिख सकते थे? चलिए जानते हैं, इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। वे समस्त लोक भूत भविष्य वर्तमान के रहस्य कर्म उपासना ज्ञान रूप वेद अभ्यास युक्त योग धर्म अर्थ और काम सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को पूर्ण स्वरूप से जानते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया था। इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन किया गया है। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। परंतु दोस्तों, पंचम वेद तुल्य महाभारत की रचना कर महर्षि वेद व्यास जी विचार करने लगे कि इस ग्रंथ का प्रचार कैसे हो, इस महान पुण्यमयी ग्रंथ का अध्ययन अपने शिष्यों को किस प्रकार कराऊं। भगवान व्यास का विचार जानकर उनकी प्रसन्नता एवं लोक कल्याण की दृष्टि से स्वयं परम पिता उनके आश्रम पर उपस्थित हुए। सहसा ब्रह्मा जी के दर्शन कर महर्षि व्यास अत्यंत चकित हो गए। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, भगवन, मैंने एक श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय हैं। इसमें वेदांग सहित उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत भविष्य और वर्तमान के वृत्तांत, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन, समुद्र, पूर्व कल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध लोक व्यवहार, इन सभी का सार संकलित करके रख दिया है। परंतु इन सब देवताओं में इसको लिख लेने वाला कोई नहीं मिलता। यही नहीं, पृथ्वी पर भी इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। यही चिंता का विषय है। दोस्तों, परम पिताजी ने महर्षि व्यास विरचित महाकाव्य की प्रशंसा करते हुए कहा, मुनिवर, आप तत्व ज्ञान संपन्न हैं, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ समझता हूँ। आप जन्म से ही अपनी वाणी के द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से ही होगी। आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपने इस काव्य को लिखवाने के लिए गणेश जी का स्मरण कीजिए, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं, यानी बुद्धि और उपलब्धि। वे अपनी बुद्धि के द्वारा किसी भी कार्य को पूर्णता सिद्ध कर लेते हैं। दोस्तों, यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और तब व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। दोस्तों, स्मरण करते ही गणेश जी महर्षि व्यास जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। महर्षि व्यास ने अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उनका अभिनंदन किया। फिर गणेश जी के बैठने पर उन्होंने उनसे अत्यंत आदर पूर्वक निवेदन किया, गणनायक, आप मेरे द्वारा निर्मित इस महाकाव्य महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। मैं इसे बोलकर लिखाता जाऊंगा। मैंने मन ही मन इसकी रचना कर ली है। महर्षि व्यास की बात सुनकर बुद्धि राशि श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी ना रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, ठीक है, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक अक्षर भी मत लिखिएगा। गणेश जी ने तथास्तु कहकर
लिखना स्वीकार कर लिया। लिखते समय भगवान व्यास ने कौतूहलवश कुछ ऐसे श्लोक बना दिए जो इस ग्रंथ की गांठ कही जाती हैं। इनके संबंध में उन्होंने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है कि 8,800 श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूँ और सुखदेव जानते हैं। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं। बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने ही में महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे और इसी प्रकार वे बोलते चले गए और भगवान गणेश उतने ही समय में उसका अर्थ समझकर लिखते चले गए। भगवान श्री गणेश जी के अनुग्रह से ही महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ जगत को प्राप्त हुआ। दोस्तों, वेदव्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसमें गणेश जी ने उनका एक एक अक्षर लिखा था। 10 दिन बाद जब वेदव्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तब तुरंत वेदव्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसलिए गणेश चतुर्थी को उनकी स्थापना कर अनंत चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है, जिसे कि आज विसर्जन के नाम से जाना जाता है। यानी कि गणेश भगवान की मूर्ति को पूजन के बाद अनंत चतुर्दशी को किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। दोस्तों, आज इस महाभारत ग्रंथ ने कलयुग के मनुष्यों को बुद्धि रूप से विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिवर्चनीय महिमा प्रकट होती है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहासों में यही सर्वश्रेष्ठ है। वेदों की कम जानकारी या ना जानकारी होने के कारण यह एक मिथ्या बन गई है कि इसे घर पर रखने से हमारे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे घर पर रखकर रोज इसका अध्ययन कर सकते हैं। जब देवताओं ने महाभारत पूरी होने पर उसको तराजू पर वेदों के साथ रखकर तौला, उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई है। महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। इस ग्रंथ में भाव शुद्धि पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व पर सभी परिवारों और दर्शकों को डू यू नो की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।